इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन का असामान्य होना, ऐसा कब होता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ना एक नॉर्मल बात है, लेकिन और दूसरी चीज जब हम सो रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट कम हो जाना ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन बैठे बैठे ही हमारी हार्ट बीट का तेज या फिर कम होना ये एक सही चीज नहीं है। और उसी के लिए मैं आपको एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता देती हूँ। दूसरी चीज ये भी बता देती हूँ कि हमारी जो हार्ट बीट है वो 60 से 100 के बीच में ही होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा हो जाती है तब हमें प्रॉब्लम होती है। और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में पॉइंट है H7, और वो मिलेगा कहाँ? इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स मिडिल फिंगर। अब मैं आपको निशान लगा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस जो ऊपर वाला जॉइंट है इससे जस्ट नीचे, ये देखिए ये है। अब इसको आप ऐसे दबाएंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। दिन में 2 से 3 बार दबाइएगा या फिर मेथी दाना लगाकर यहाँ पर टेप चिपका दीजिएगा।